इस वीडियो में हम देखते हैं कि डैमनू के बगैर इस कटआउट को कैसे चेक करते हैं। ये डैमनू एक्ट्रोस गाड़ी का है, ये कटआउट एक्ट्रोस गाड़ी का है, ये डैमनू एक्ट्रोस MP2, और इसको डैमनू के बगैर कैसे चेक कर सकते हैं, बायर कैसे चेक कर सकते हैं। इसके कनेक्शन करने के लिए हमको एक फिश चाहिए और एक लाइट। तो चलो इसके कनेक्शन करते हैं, देखते हैं ये कटआउट ठीक है कि नहीं और इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। ये इसको आगे फिश लगाते हैं, इसका ग्रिप लग गया, इसकी सफ़ेद नीली वायर जो आ गई RPM नीली डैशबोर्ड लाइट की, काली सफ़ेद आ गई इसकी चाबी स्विच, लाल ट्रैक करंट। तो अभी इसको लगाते हैं अर्थ माइनस बैटरी माइनस। तो ये इसका आ गया माइनस, ये साइड वाला नहीं, ये साइड वाला, ये इसका माइनस है। इसको लगाते हैं माइनस पहले, अर्थ लग गया। ये हो गया इसका अर्थ। अभी इसको देते हैं करंट चाबी स्विच, ये इसको हो गया चाबी स्विच, ब्लैक वाइट चाबी स्विच। साथ में ही इसको ट्रैक एक साथ कर देते हैं। ये आ गई लाइट की तार, डैशबोर्ड लाइट। ये डैशबोर्ड लाइट, अभी ये बल्ब स्लो चल रहा है, अभी इसके ऊपर मेन करंट नहीं है बैटरी का। इसको मेन करंट अभी देंगे कटआउट को, तो ये लाइट तेज होनी चाहिए। ये इसको हो गया मेन करंट, जैसे मेन करंट लगेगा इसकी लाइट ज्यादा हो जाएगी। मेन करंट नहीं होगा, ये स्लो, मेन करंट लग गया, अभी ये लाइट तेज होगी। अभी हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए, तो देखते हैं ये कटआउट काम कर रहा है कि नहीं। ये आ जाएगी रेक्टिफायर वाली वायर, जैसे ही इसके साथ ये टच लैंप लगाएंगे ये तो लाइट बंद होनी चाहिए। लाइट बंद हो गई, ये लाइट ऑन हो गई, ये करंट देंगे, ये लाइट ऑफ हो गई, ये ऑन।
ये रेक्टिफायर वाली वायर से इसको टच लैंप से करंट देंगे। ये आप देखो ये ऑन होगी। नीचे वाले कार्बन बॉक्स में लतूर रहेगा अर्थ। उम्मीद है कि आपको इसके कनेक्शन समझ आ गए होंगे।